दोस्तों यहाँ अहमदनगर में साविड़ी गांव को हम पहुँचे हैं। सचिन पुंड इनका ये हाउस है यहाँ पर, और उसके सामने ही पानी की टंकी दिखी यहाँ पर, जिसमें एक स्नेक दिखाई दे रहा है, अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो दोस्तों हम इसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा स्नेक मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। शूटिंग शूटिंग कुठे होती दोस्तों? यहाँ ये शेकर्ड कीलबैक स्नेक महाराष्ट्र में से दिवड़ और विरोड़ा नाम से जानते हैं। ये पानी में रहने वाला सांप है, देखिए पानी में भी रहता है और बाहर भी रह सकता है। शेकर्ड कीलबैक स्नेक, तो यहाँ हमने एक पानी की टंकी से रेस्क्यू किया इसको। बहुत ही ज्यादा काटने वाला हिसाब है, देखिए अटैक बहुत ज्यादा करता है। तो दोस्तों ये बिना जहर वाला स्नेक है, लेकिन बहुत ही बार बार अटैक करता है, काटता है। जब इसको कोई पकड़ता है तो उसको ज़रूर वो काट लेगा। दोस्तों ये बिना जहर वाला है, लेकिन इसमें खतरनाक बैक्टीरिया भी होता है, क्योंकि नदियाँ नाली में रहते ज़्यादातर। अगर ये किसी को काट ले तो उसका दांत उसके शरीर में गड़ाता है, और बैक्टीरिया से कुछ भी हो सकता है। इसकी पहचान देखिए, गर्दन से लेकर पूंछ तक हमें काले से हल्के से हरे हल्के से पीले रंग में चेक्स दिखाई देते हैं, और वो बीच में से लेकर पूंछ तक धुंधले हुए दिखाई देते हैं। सुटण्यासाठी करतो ते जबरन कोई सांप किसी पर अटैक नहीं करता दोस्तों, जब उसको खतरा लगता है तभी वो अटैक करता है। अभी इसका खतरा लगता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। जिस चीज का उसको खतरा लगता है उसको अटैक कर देता है। अगर किसी ने इसको पकड़ लिया तो उसको जरूर काट लेगा, गलत तरीके से पकड़ लिया तो काट लेगा। बिना प्रशिक्षण के कोई भी स्नेक, मैं फिर एक बार बताता हूँ, बिना प्रशिक्षण के कोई भी सांप पकड़ने की कोशिश ना करे। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी आजकल कोई भी स्नेक पकड़ने लगा है जो जानता नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्नेक ना पकड़िए। अगर आपने इसके बारे में पूरा स्टडी किया है, ट्रेनिंग लिया है, तो ही सांप पकड़िए। अदरवाइज आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जान गाओगे, ठीक है, क्योंकि बिना जहर वाला स्नेक होता है तो भी वो काट ही लेता है। तो ज़्यादा डर के कारण मौत भी हो सकती है दोस्तों, तो इसीलिए कोई भी बिना ट्रेनिंग के बिना प्रशिक्षण के स्नेक हैंडलिंग ना करें। तो ऐसा ही सांप हमने यहाँ पर साविड़ी गांव अहमदनगर में रेस्क्यू किया है, चेकर्ड कीलबैक स्नेक महाराष्ट्र में से दिवड़ और विरोड़ा नाम से जानते हैं। तो इसकी पहचान के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको। दोस्तों एक अच्छी जगह पर हम इसको आज़ाद करने वाले, नदी में यहाँ ये जी सकता है।
दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस और सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस आपको रोज रोज देखने को मिलते रहेंगे। साइवीड़ी गांव में हमने एक चेकरेड कीलबैक स्नेक रेस्क्यू किया था। यहाँ पर एक अच्छी जगह पर हम उसको रिलीज करने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे उसको आज़ाद कर दिया, देखिए कितनी तेज़ी से भाग गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।